वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज टॉपिक है इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, मतलब ठीक है, तो पहला आता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमें इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में पहला ये पढ़ना है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और सेकंड पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि एक तरफ कि उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ पर आयरन +2 में है प्लस सीरियम के साथ जो कि +4 में है, ये रिवर्सिबल का साइन है। तो आगे रिएक्शन हुई तो Fe +3 में आ गया और सीरियम +3 में हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, जो आयरन है, आयरन का हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्सीडेशन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो जिनकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सीरियम क्या हो गया, सीरियम +4 में है तो +3 में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हो गया तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन, वो अब दो टाइप से होती है। ओके फ्रेंड्स, तो दो टाइप से पहला टाइप होता है उसमें इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, कि इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है, और दूसरा होता है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके पहले पार्ट को स्टडी करते हैं कि इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि पहला कॉम्प्लेक्स, इसमें इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में पहला कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होना चाहिए और दूसरा लेबाइल होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मैं इनर्ट और लेबाइल आपको पहले ही बता चुका हूं। जिसकी CFSE इफ लॉस इन CFSE होता है तो वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इफ गेन इन CFSE और नो लॉस और नो गेन इन CFSE तो वो लेबाइल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि पहला कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि वन कॉम्प्लेक्स इनर्ट होना चाहिए और दूसरा लेबाइल होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और जो दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन ब्रीजिंग एलिमेंट, वन ब्रीजिंग लिगेंड। ठीक है, जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा उसके पास एक ब्रीजिंग एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ब्रीजिंग सब्स्टिट्यूएंट होना है, ब्रीजिंग लिगेंड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो तीसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं सिग्मा रिडक्टेंट से सिग्मा ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पर रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ईजी ऑर्बिटल्स, ईजी और T2G ऑर्बिटल्स को हम सपोज टू बी, जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं उसको सपोज टू बी फॉर आवर कन्वीनियंस, T2G ऑर्बिटल्स को हम पाई ऑर्बिटल्स कंसीडर कर सकते हैं और ईजी ऑर्बिटल्स को सिग्मा ऑर्बिटल कंसीडर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहां से कहां तक होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है सिग्मा स्टार, मतलब सिग्मा स्टार रिडक्टेंट से सिग्मा स्टार ऑक्सीडेंट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, मतलब ईजी स्टार से, ईजी से मतलब फील्ड ईजी से लूमो ईजी की तरफ। ओके फ्रेंड्स, और इसके लिए डी कंडीशन यह है कि रेट ऑफ ट्रांसफर रिएक्शन इज, मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीज होता है जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो आयोडीन I-Br-Cl-F- की मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है पोलराइजेबिलिटी का, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा एज इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो इसका मैंने एग्जांपल लिखा है, एक यहाँ पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जिसकी वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी रिएक्शन मैंने क्रोमियम के साथ कराई जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 टाइम्स हाइड्रोनियम आयंस के साथ। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, अब आगे रिएक्शन में क्या हो गया, तो ये +3 में था तो ये +2 में चले गया। मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और जो क्रोमियम था आपका, क्रोमियम किसमें चले गया, +3 में हो गया। तो इस क्रोमियम का क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन हो गया और इसका फ्रेंड्स क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं एग्जैक्टली में क्या हुआ, कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैं पहला कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं फ्रेंड्स, CO NH3 का होल 5 Cl +2. ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कोबाल्ट किसमें है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन में अगर अमोनिया हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो लो स्पिन का मतलब हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? T2G में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? D6 कॉन्फिगरेशन हो गया, तो T2G हो जाएगा 6 और आपका EG हो जाएगा 0। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये कंडीशन है तो ये लो स्पिन है, तो इसका मतलब ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये इनर्ट हो गया। और जो दूसरा हो गया फ्रेंड्स वो क्या हो गया? Cr H2O का होल 6, ये हो गया आपका 2+। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनर्ट है। अब अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये +2 में है, Cr +2 में है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका D4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो D4 हो गया। और ये हाई स्पिन है, ठीक है फ्रेंड्स, हाई स्पिन हो गया D4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये T2G 3 हो जाएगा और EG 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाई स्पिन में D4 इसकी क्या होती है? +1.14 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लेबाइल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी फ्रेंड्स? एक कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होना चाहिए और दूसरा लेबाइल होना चाहिए, और इनर्ट के पास ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए। तो क्लोरीन एज ए ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब जब आगे फर्दर रिएक्शन होगी फ्रेंड्स तो माइनस वाटर निकलेगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो माइनस वाटर निकल जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, CO NH3 Cl, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका Cr ये हो गया और वाटर के 5 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये आपका इंटरमीडिएट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, ये Cr +2 में है और ये कोबाल्ट है +3 में। तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स? यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब Cr +2 से क्या हो रहा है? EG1 से EG2 में, EG0 में ट्रांसफर होगा, मतलब सिग्मा रिडक्टेंट से सिग्मा स्टार ऑक्सीडेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये ट्रांसफर होने के साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका अब जो नेक्स्ट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका फ्रेंड्स? कि CO ये NH3 का आपका होल 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, मतलब ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, तो CO NH3 का होल 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये क्या हो जाएगा आपका? Cr H2O का। अब जब ये कंडीशन हो जाएगी फ्रेंड्स, Cr H2O का होल 5 Cl हो जाएगा। और अब ये क्या था? अब ये +2 में है, तो यहां पर क्रोमियम की +3 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? आपकी, और इसके साथ क्या हो जाएगी? हाइड्रोनियम की। अब ये यहां पर हाइड्रोनियम निकला था, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम यहां पर आ जाएगा कूदता हुआ, ठीक हो गया फ्रेंड्स। वाटर यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CO NH3 का होल 5 वाटर, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये +2 में हो गया और प्लस Cr H2O का होल 5 Cl 2+, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो अब एग्जैक्टली में क्या हुआ फ्रेंड्स? यहां पर क्या था? ये +2 में हो गया, तो अब ये +2 में हो गया, तो इसका मतलब कोबाल्ट +2 में हो गया, यानी D7 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका हाई स्पिन हो जाएगा। तो हाई स्पिन का मतलब ये हो गया आपका जो कोबाल्ट था वो लेवाइल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जो आपका क्रोमियम था, क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स, अब ये क्या हो जाएगा? आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है आफ्टर द रिएक्शन, तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो आपका इनर्ट होता है वो लेबाइल हो जाता है और जो लेबाइल होता है वो इनर्ट हो जाता है, इनर्ट बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे फर्दर रिएक्शन होगी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। जो आगे अब फर्दर रिएक्शन होगी आपकी, अब क्या होगा फ्रेंड्स? यहां पर क्या होगी? अब 5 टाइम्स हाइड्रोनियम आयंस आएंगे। अब उसके आगे फर्दर रिएक्शन होके क्या बना देंगे फ्रेंड्स? CO, अब यहां पे क्या हो जाएगा? -5 टाइम्स NH4 प्लस निकल जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो CO H2O का होल 6 बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, CO H2O का होल 6, मतलब बस ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये लेबाइल हो जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और ये इनर्ट, बस क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो सिग्मा स्टार रिडक्टेंट से सिग्मा स्टार ऑक्सीडेंट की तरफ ट्रांसफर होता है और रिएक्शन के बाद इनवर्स हो जाता है कि अगर जो पहले इनर्ट होगा तो वो बाद में लेवाइल हो जाता है और जो लेवाइल होता है फ्रेंड्स वो इनर्ट हो जाता है। ये इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट करते हैं हम कि आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। पहले हमने करी कि इनर स्फीयर ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होता है और अब करते हैं आउटर स्फीयर ट्रांसफर रिएक्शन में। तो ये क्या होता है, बोथ कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेवाइल होना चाहिए, इनर्ट के पास ब्रिजिंग लिगेंड होने चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि क्या कह रहा है बोथ कॉम्प्लेक्सेस में भी लेवाइल, चाहे दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स लेवाइल हो जाए या और इनर्ट हो जाए, या तो इनर्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, या एक लेवाइल हो जाए या एक इनर्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन इसके लिए आती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है ना उसमें फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम फील्ड ऑफ द रिडक्टेंट टू द वैकेंट T2G पाई स्टार लूमो ऑफ द ऑक्सीडेंट। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, T2G जो T2G स्टार से होता है ना, T2G जो पाई लूमो होता है मतलब पाई होमो, जैसे अगर मैं T2G मैंने बताया था आपको पाई स्टार होमो हो गया, तो पाई स्टार होमो से पाई स्टार क्या हो लूमो में ट्रांजिशन होता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब T2G फील्ड से T2G एम्पटी में ट्रांजिशन होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और तीसरी कंडीशन इसके लिए आती है कि नो अप्रिशिएबल चेंज इन बॉन्ड लेंथ, की बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके लिए कंडीशंस होगी, 1, 2, 3 कंडीशंस होगी। अब अगर मैं इसका एग्जांपल देखता हूं तो मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल है FeCN6 4-। तो पहला एग्जांपल ये है FeCN6 4- और प्लस Fe स्टार एस्ट्रिक कर दिया ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए, FeCN6 3-। तो पहला जो आयरन है वो किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 में क्या होगा, साइनाइड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयरिंग करा देगा तो ये लो स्पिन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लो स्पिन का मतलब हो गया D6 हो जाएगा, तो D6 का मतलब हो गया T2G6 और Eg0 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो Eg0 हो गया। और अब ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3-, तो ये भी लो स्पिन हो गया क्योंकि साइनाइड फिर पेयरिंग करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा T5 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। T5 में क्या हो जाएगा T2G5 और Eg0। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब मैंने आपको कहा था T2G ऑर्बिटल्स सपोज टू बी पाई ऑर्बिटल्स कंसीडर करते हैं और Eg ऑर्बिटल्स आर सपोज टू बी सिग्मा ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Pi star 6 हो गया और Sigma star 0 हो गया और Pi star 5 और Sigma star 0 हो गया। तो जो इस कॉम्प्लेक्स की जो मैं बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट है तो 195 ppm है और इसकी 192, तो एप्रिशिएबल नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अब आगे फर्दर रिएक्शन होती है तो वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये +2 में, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये T2G6 यानी Pi star 6 से Pi star 5 में ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, अगर ये आपका +2 में है, ये यहाँ पर +2 में है और ये है +3 में, तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये +3 में खुद चले जाएगा और ये +2 में चले जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो +3 में है तो यही हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है कि जो +1 +2 में वो +3 में चला है, जो ऑक्सीडेंट है वो रिडक्टेंट बन जा रहा है और जो रिडक्टेंट है वो ऑक्सीडेंट बन जा रहा है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। FeCN6 3-, ये 3- में हो गया और ये Fe जो एस्ट्रिस्टिक वाला था वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। तो फ्रेंड्स होता क्या है, इसको आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को टनलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जब टनलिंग रिएक्शन इसलिए होती है कि जब ये दो कॉम्प्लेक्स आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं तो एक टाइप से टनल की तरह दिखाई देते हैं, मतलब टनलिंग मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो इस वजह से इसको टनलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर थ्रू टनल के द्वारा होता है, तो इसलिए इस रिएक्शन को टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, हो गया फ्रेंड्स। अभी ये पहली वीडियो है इनऑर्गेनिक रिएक्शन में, रिएक्शन मैकेनिज्म में। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करना और एंड तक जरूर देखना। ओके फ्रेंड्स, तो ये आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ये मैंने खत्म करा दिया, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।